इस वक्त आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त एक बड़ी अपडेट दतिया से आ रही है, जहां दतिया से हमारे रिपोर्टर लोकेश मिश्रा में रिपोर्ट दे रहे हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बड़ी बातें करते हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी खनन के विरोध में बातों से काफी सख्त नजर आते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हाँ, देखने में तो ऐसा लगता है जैसे सरकार पर माफिया प्रशासन के आला अधिकारियों की लाल फिताशाही हावी है। अभी प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री एवं दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा ने अपने दतिया प्रवास के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने की बात बड़ी जोरदारी से उठाई थी, किंतु देखने में ऐसा लगता है जैसे प्रभारी मंत्री के निर्देशों का प्रशासन के अधिकारी पर कोई असर भी नहीं हुआ है। यदि प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री जी के निर्देशों के बाद कान पर जूतक नहीं रहेगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिले में रेत का अवैध उत्खनन तो लगातार जारी है, परंतु अब मुरम माफिया भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। जहां यदि हम प्रशासनिक हिला हवाली की बात करें तो जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम अगोरा गांव के समीप पुरम के पहाड़ को माफियाओं के द्वारा लगभग पूरी तरह नष्ट किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की कैपिटल कंपनी के द्वारा हजारों डंपर मुरम उस पहाड़ी से उठाकर शासन को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया जा रहा है। जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचे तो माफियाओं में हड़कंप मच गया। जब मीडिया के द्वारा अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से हमने खदान पर उपस्थित होने एवं अवैध रूप से मुरम उठाने की सूचना कलेक्टर एसडीएम सहित थाना प्रभारी सिविल लाइन एवं माइनिंग अधिकारी को भी दी तो किंतु पर पूरे 2 घंटे तक भी प्रशासन की टीम वहां नहीं पहुंची, जो प्रशासन की नियत पर प्रश्न लगाती नजर आ रही है। प्रशासन की टीम मौके पर ना पहुंचने से माफिया अपने वाहन हमारे सामने लेकर भाग खड़े होने में सफल हो गए। 5 किलोमीटर दूरी तय करने में प्रशासन को 2 घंटे का समय लग जाने से इसमें कहीं ना कहीं दतिया जिला प्रशासन की संलिप्तता उजागर होती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से अगर बात करें तो कैपिटल कंपनी और प्रशासन के मिले भगत से ही अगोरा गांव की पहाड़ी से मुरम का अवैध उत्खनन हो रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि इसी मुरम की पहाड़ी पर ही चंद कदम दूर जल निगम की पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई है। यहां से मुरम उठाने में इन टंकियों को भी काफी क्षति होगी। यदि अगोरा से इसी तरह मुरम का अवैध काला कारोबार चलता रहा तो 100 करोड़ की नल जल योजना भी अतिशीघ्र ठप हो जाएगी। जब इस मसले पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार से बात की गई तो वो टीम भेजी, उन्होंने कहा कि वहां टीम भेजी है कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। खनिज अधिकारी रमेश पटेल भी मौके पर पहुंचने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री तथा दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के सख्त निर्देशों के बाद भी जिले में अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक तो जिले में रेत माफिया ही सक्रिय थे, पर अब मुरम माफिया भी सक्रिय देखने को मिल रहे हैं। कौन से साहब हैं? वो अभी आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दिनेश है। कहाँ के रहने वाले? गाड़ी चला रहे। गाड़ी कौन सी? नंबर बोलो गाड़ी का। गाड़ी नंबर बोलो। EG75। किसकी गाड़ी है ये? मालिक का नाम मुझे कुछ नहीं मालूम कौन। ड्राइवर तुम्हारा क्या नाम है? दिनेश। ये कब से उखाड़ रहे हो? हो गया 5-7 दिन। 5-7 दिन से उठा रहे हो? कोई परमिशन है तुम्हारे पास इसकी? हम छोटे लेबर का नहीं, तुम्हारे छोटे अगर मान लो कोई तुम्हारी गाड़ी को पकड़ ले तो तुम क्या कहोगे? रॉयल्टी दिखाओगे? रसीद दिखाओगे? है तुम्हारे पास कुछ? कहाँ के रहने वाला है? ग्वालियर। क्या चला रहा है ये मशीन? कौन सी मशीन है ये? टाटा। पूरा नाम बता। टाटा तो है जो तो दिखाई। हिटैची है ना? कब से चला रहे हो यहाँ पे? अभी आया हूँ मैं तो, ज्यादा दिन नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? 15-20 दिन हो गए। 20 दिन से चला रहे हो? तुम्हारे पास इसकी खोदने की किसी ने परमिशन दी तुझे? वो तो साहब को पता है। मशीन किसकी है? क्या नाम है साहब का? वो मशीन का तो पता नहीं। साहब का क्या नाम है? साहब का मशीन तू चला रहा है? हाँ। मालिक का नाम नहीं है तुझे पता? नहीं। लोगों द्वारा सूचना दी गई थी में खनिज राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त जांच की गई, पर वो थोड़ा सा बल मिलने में विलम्ब होने के कारण वहाँ से ये सब चीज़ें मौके से गायब होगी। पर कोई बात नहीं, हम लोगों ने उसका मेजरमेंट किया है और जो भी अवैध उत्खनन करता है उसके खिलाफ में अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। अभी तो उस टाइप की कोई वहाँ से परमिशन नहीं दी गई, फिर भी हम एक बार देखवा लेते हैं। वैसे नहीं दी गई है
ऐसी छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।